प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम स्कूल भादरा के यूट्यूब चैनल पर। मैं इरशाद। देखिए, हम बात कर रहे हैं ज्योग्राफी से संबंधित और हम आज पढ़ेंगे 11th क्लास की ज्योग्राफी। देखिए, आप सभी को पता है कि इस कोरोना महामारी के दौरान क्या है, जितने भी ऑफलाइन क्लासेस थी वो अभी शुरू नहीं हुई हैं, अभी बंद हैं। और इसी को देखते हुए श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस शुरू की गई हैं, तो ताकि आपको क्या है, घर बैठे आपको जो अध्ययन है उससे आप वंचित ना रहें। इसी को देखते हुए हम स्टार्ट कर रहे हैं 11th ज्योग्राफी की। कितनी बुक हैं, कौन कौन सी बुक हैं, किस प्रकार से हमें अध्ययन करना है। आप अभी 10th से पास आउट हो तो देखिए इसमें क्या सिस्टम है कि जिस प्रकार आपने 10th में जो सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का आपने अध्ययन किया है उसके अंतर्गत आपने ये देखा होगा कि उसमें 4 पार्ट्स थे। इस प्रकार से हिस्ट्री भी थी, इकोनॉमी थी, पॉलिटिकल था और ज्योग्राफी। लेकिन उनका जो एरिया था वो बहुत शॉर्ट था। लेकिन अब आप 11th के बाद में जो हायर एजुकेशन की ओर जा रहे हो इसके अंतर्गत क्या है, प्रत्येक सब्जेक्ट की एक विस्तृत जो कंसेप्ट है उसका आप अध्ययन करोगे, उसका पूरा अध्ययन करोगे उस विषय से संबंधित। तो इसी प्रकार आपका जो ज्योग्राफी है वो एक अलग सब्जेक्ट के रूप में आपको प्लस वन में दिखाई दिया है। तो चलिए हम बात करते हैं ज्योग्राफी से संबंधित। देखिए, प्लस वन के अंतर्गत ज्योग्राफी में आपकी 2 बुकें लगती हैं। बुक नंबर 1 भारत का भौतिक पर्यावरण, दूसरी बुक है आपकी भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। 2 बुकें हैं। इसके अलावा भूगोल के अंतर्गत प्रायोगिक कार्य भी होता है, उसकी भी एक बुक लगती है। उसका अध्ययन हम, उसका जिक्र हम आगे कुछ समय बात करेंगे। लेकिन जो मेन जो 2 बुक हैं जिनका आपका पेपर होता है, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। अब देखिए, भारत का भौतिक स्वरूप कह सकते हैं, वातावरण कह सकते हैं, पर्यावरण कह सकते हैं। दूसरी बुक है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। अब इन दोनों बुकों में क्या चीज है, दोनों बुकों के अंतर्गत जो मैटर है वो क्या है। सबसे पहले हम जिक्र कर रहे हैं भारत का भौतिक पर्यावरण, और इसी बुक को हम सबसे पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में हम भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए हम बात कर रहे हैं भारत के भौतिक पर्यावरण की। इसके अंतर्गत इस बुक में मैं आपको ब्रीफली समझा देता हूं क्या चीजें हैं। देखिए, इसके अंतर्गत स्थिति और विस्तार। अब देखिए, आपकी बुक का नाम है भारत का भौतिक पर्यावरण। अब देखिए, इसका अर्थ क्या है कि आपको जो अध्ययन करना है वो किसके संदर्भ में करना है, भारत के संदर्भ में। अब मैंने यहाँ पर लिखा स्थिति और विस्तार, तो किसका, मध्य प्रदेश का नहीं, न राजस्थान का, बात किसकी करेंगे, भारत। भारत की स्थिति और उसका विस्तार, कितना फैला हुआ है,
किस प्रकार ये पूरे विश्व में अक्षांशीय दृष्टि से और देशांतरीय दृष्टि से स्थित है, क्षेत्रफल कितना है, कौन कौन से राज्य हैं इसमें, कितनी इसकी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, क्या जलीय भाग लगता है, क्या स्थलीय भाग लगता है, इन सारी तथ्यों का हम अध्ययन करेंगे, स्थिति और विस्तार। दूसरा, भौतिक प्रदेश या भू आकृतिक प्रदेश कह सकते हैं, या भारत का भौतिक स्वरूप ये कह सकते हैं। इसके अंतर्गत क्या है, भौतिक प्रदेशों की बात करेंगे। जैसे आपने सुना है, देश, राज्य, जिला, तहसील, उप तहसील और फिर गांव, ये जो श्रेणी क्रम है ये राजनीतिक दृष्टि से है, तो इसको हम बोलेंगे राजनीतिक क्षेत्र। अब भौतिक क्षेत्र क्या है, भौतिक क्षेत्र में क्या आते हैं, उसी प्रकार पर्वत, पहाड़, मैदान, द्वीप, तटीय मैदान, मरुस्थल, प्लेन एरिया, ये सारे के सारे क्या हैं, भौतिक प्रदेश हैं। और जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको देश, राज्य, जिलों की बात की, ये है राजनीतिक दृष्टि से अलग अलग इकाई। तो हम बात करेंगे कि भारत में कौन सा पर्वतीय प्रदेश, कौन सा पठारी प्रदेश, कौन सा द्वीपीय प्रदेश, कौन सा तटीय क्षेत्र, इन सभी चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं अपवाह तंत्र कि भारत में जिस प्रकार से आप छोटी छोटी नदियां देखते हो, कहीं कहीं बड़ी बड़ी नदियां भी आपको दिखाई देती हैं, ये नदियां कहां से निकलती हैं, कौन से क्षेत्रों की नदियां हैं, इनकी सहायक नदियां क्या हैं, इनसे संबंधित हम सारा का सारा अध्ययन करेंगे अपवाह तंत्र। जलवायु, भारत की जलवायु, जलवायु का अर्थ ये है, जब हम जलवायु के संदर्भ में पढ़ेंगे तब हम देखेंगे मौसम और जलवायु में क्या अंतर है, लेकिन बता देता हूँ कि तापमान और वर्षा का जो संबंध है और उसको स्पष्ट करेंगे किसके माध्यम से, जलवायु के माध्यम से, और किस क्षेत्र का अपने भारत देश के संदर्भ में देखेंगे कि जलवायु कैसी पाई जाती, क्या वर्षा होती है, कौन सा मानसून आता है, कब धूप गिरती है, कब सर्दी का समय आता है, ये सारी की सारी चीज़ें हम भारत के संदर्भ में देखेंगे। फिर हम देखेंगे प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित। प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत हम बात करेंगे कि जो वन पाए जाते हैं, कितने प्रकार के वन हैं, क्या पूरे भारत में एक जैसे वन पाए जाते हैं, अगर अलग अलग पाए जाते हैं तो उनको क्या कहते हैं, जैसे वर्ष भर आपको मिलेंगे उनको सदाबहार कहेंगे, कुछ समय के लिए मिलेंगे मानसून कहेंगे, तो ये बहुत सारे तटीय क्षेत्रों में क्या एक जैसे वन होते हैं, क्या मरुस्थलीय प्रदेश में तटीय क्षेत्रों के समान वन्य क्षेत्र मिलता है, ये सारी की सारी चीज़ें हम इसी के संदर्भ में करेंगे। तो ये है आपकी पहली बुक जिसके अंतर्गत आपको ब्रीफली समझाया है मैंने, और अब हम इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो इसके अंतर्गत जो आपका फर्स्ट लेसन है भारत के भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत, वो फर्स्ट लेसन अब हम देखेंगे उसमें क्या है।
कुछ ऐसा ही प्रतीत होता है हमारा भारत देश। अब देखिए, इस भारत की स्थिति देखेंगे तो स्थिति के अंतर्गत दो चीजें होती हैं, अक्षांश और देशांतर। ये पहले आपने सुना होगा इस प्रकार के नाम, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर। अब ये अक्षांश और देशांतर क्या हैं, किसे कहते हैं, कहाँ पर स्थित हैं, तो देखिए ग्लोब की बात करते हैं हम, यहाँ लिखा मिलेगा आपको 0 डिग्री, यहाँ एक रेखा मिलेगी आपको 23.5 डिग्री, यहाँ आपको मिलेगी 66.5 डिग्री और यहाँ मिलेगी आपको 90 डिग्री। तो ये नहीं है कि सिर्फ आपको ऊपर 3 ही लाइनें दिखाई दें। कितनी लाइनें दिखाई देगी, 0 से लेकर ऊपर मैंने लास्ट लिखा है 90, तो 90 लाइनें आपको मिलेगी। लेकिन 90 की जगह आपको कुछ कम मिलेगी, लेकिन 90 ज़रूर मिलेगा आपको। कहीं इस प्रकार से दे रखा होगा, यहाँ 15, फिर 30, फिर 45, 60, 75 और 90। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंतर्गत 6 ही लाइनें, मैंने यहाँ मान ले कर रखी हैं 15 से 30 जाएंगी, इसके मध्य 15 लाइनें और है जो मैंने दर्शाई नहीं है, लेकिन है ज़रूर। ठीक है, इस प्रकार से 0 से ऊपर बात करेंगे 90 ऊपर, और सेम सिस्टम ये नीचे भी होता है, सेम 23.5 ये, फिर नीचे 66.5, ये मुख्य रेखाओं की बात कर रहा हूँ मैं, और ये नीचे 90 डिग्री, ये सिस्टम मैंने नीचे भी लिखा है, लेकिन इनके पास में मैंने अन लिखा है और इनके पास में मैं एस लिख रहा हूँ। अब 0 से ऊपर जाएंगे, ये क्या है, एन का मतलब है नॉर्थ, उत्तर दिशा, उत्तर दिशा को संबोधित कर रहा है ऊपर की ओर। यहाँ एस लिख रहा हूँ साउथ, साउथ कर रहा है दक्षिणी, दक्षिण दिशा को संबोधित। अब देखिए इस प्रकार से एक रेखा और मिलेगी आपको, ये कौन सी रेखा है, ये है देशांतर रेखा, और ये जो आड़ी रेखाएं होती हैं, समांतर रेखाएं होती हैं, ये होती हैं अक्षांश। अब जो वृत्ताकार रेखाएं होती हैं उनको कहते हैं हम अक्षांश, और जो अर्धवृत्ताकार होती है जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं वो रेखाएं होती हैं देशांतर। अब देखिए जो अक्षांश होती हैं, अक्षांश होती हैं 181, लेकिन कई बार अक्षांश रेखाएं पूछता है तो अक्षांश रेखाएं होती हैं 179। अब जी 90 ऊपर 90 नीचे 180 हुआ, आपने लिखा 181 और 179, ये कैसे हो गया। तो देखिए 90 ऊपर और 90 नीचे 180 और एक ये 0 डिग्री वाली भी काउंट कर लो, है ना, छूट गई तो कितनी हो गई 181। ये तो है अक्षांश, लेकिन रेखाओं की बात करेंगे तो ये देखिए 90 डिग्री उत्तरी को आप उत्तरी ध्रुव कहते हैं, क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव का मान कितना है 90 डिग्री, दक्षिणी ध्रुव का मान कितना है 90 डिग्री दक्षिण, और ये उत्तरी ध्रुव तो N। अब ये मैंने लाइन नहीं बताई है बल्कि इस प्रकार से एक बिंदु बनाया है, नीचे भी बिंदु बनाया है।
अब ये रेखाएं कोई कह सकता है इनको ये रेखाएं नहीं। तो याद रखना जो ध्रुवी क्षेत्र 90 डिग्री ध्रुव उत्तर और 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव, ये दोनों रेखाओं से नहीं बल्कि बिंदु से स्पष्ट होते हैं। इसलिए मैं बात जब रेखा की करूंगा तो ये दो बिंदु हट जाएंगे क्योंकि ये रेखा ही नहीं है। तो 181 में दो घट गए 179, तो ये हो गए अक्षांश। देशांतर जीरो मिलेगी आपको, फिर इस प्रकार से एक दो तीन इस प्रकार से चलती चली जाएगी पूरे ग्लोब पर, इधर भी मिलेगी आपको इस प्रकार से। ये क्या है? ये देशांतर है। ये टोटल मिलती है आपको 360, कितनी मिलेगी 360। अब इस 360 के अंतर्गत और इस 181 के अंतर्गत क्या चीज़ें होती हैं? कई बार क्या होता है, सवाल दिमाग में आता है कि हमारी जो पृथ्वी है उस पृथ्वी पर ऐसी रेखाएं हैं? बिल्कुल नहीं। तो फिर ये रेखाएं, ये सिर्फ काल्पनिक रेखाएं हैं, अपने द्वारा बनाई गई हैं। क्यों बनाई गई हैं जी? तो किसी क्षेत्र कोई स्थान है, मान लो जयपुर है, मान लो हमारा भारत देश है, मान लो राजस्थान है, उस क्षेत्र को आप कैसे बताओगे कहाँ पर स्थित हैं? कैसे बताओगे? ऐसे कहोगे इस साइड में जी, इस साइड में जी, इस साइड में जी, ऐसे कहोगे। कहाँ तक चलेगा कोई चलने वाला? सही स्थिति स्पष्ट नहीं हो। तो क्या किया कि इनका मान रख दिया इन रेखाओं का। अब देखिए, कोई क्षेत्र इतने बड़े एरिया में स्थित हैं तो आप ये कहोगे क्या कि वो क्षेत्र, ये क्षेत्र 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास में, नहीं कहोगे, क्योंकि जो मैक्सिमम इसका मान है वो 23.5 डिग्री का है, 23.5 डिग्री तक आता है, नीचे 0 डिग्री। तो इसका जो अक्षांशीय क्षेत्र है वो 0 से 23.5 के बीच में है जी, बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि ये इतना ही फैला हुआ है। अब हम बात करेंगे कि जो इसका अक्ष देशांतरीय विस्तार है, तो इस रेखा को 15 डिग्री मानता हूँ और इसको 30 मान रहा हूँ, तो इसका देशांतरीय विस्तार 30 से 60 के बीच में? नहीं जी, आप कहोगे सर गलत बोल रहे हैं। इसका देशांतरीय विस्तार, ये 15 डिग्री की रेखा है, 15 से शुरू होता है और ये 30 की है, 30 पर ख़त्म हो जाता है। तो इस क्षेत्र का जो विस्तार है, जो स्थिति है, वो कितनी बन गई? ये एक उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ कि सर 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 15 डिग्री ईस्ट से लेकर 30 डिग्री ईस्ट, ये हो गया इसका देशांतरीय विस्तार। अब दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगी? स्थिति हो जाएगी। स्थिति के अंतर्गत अक्षांश और देशांतर दोनों दर्शानी पड़ती हैं। तो ऊपर वाली अक्षांश है, नीचे वाली देशांतर। इस क्षेत्र की अक्षांशीय एवं देशांतरीय स्थिति ये निकली। आई के बात समझ में? इस प्रकार से हमें भारत देश की स्थिति निकालनी है कि कितने डिग्री पर फैला हुआ है और कितने डिग्री अक्षांश है, कितने डिग्री देशांतर है, इसी की हम बात कर रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं भारत के संदर्भ में कि भारत के अंतर्गत जो अक्षांश है वो कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर आकर ख़त्म होती है, देशांतर की बात करेंगे। फिर देखिए, भारत की स्थिति यहाँ से शुरू होती है 8 डिग्री 4 से और ये है 37 डिग्री 6 और यहाँ से शुरू होती है देशांतर 68 डिग्री 7 से और ये है 97 डिग्री 25
ये कर्म तो है आपका अक्षांश का, इस प्रकार से ये ऊपर की ओर चलती चली जाएगी। 37 डिग्री 6 के बाद में कोई भारत का स्थान नहीं। फिर हम बात करेंगे 68 डिग्री 7, ये हो गई आपकी देशांतरीय स्थिति। यहाँ से आप चलते चले जाओगे, लास्ट कितना आ गया 97 डिग्री 25। तो भारत की जो अक्षांशीय स्थिति की बात करेंगे वो 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 नॉर्थ और 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25, ये हो गया ईस्ट। ये हो गई भारत की स्थिति। इसके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे अगली कक्षा में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।